स्वागत है तुहाडा प्रो पंजाब टीवी दे उत्ते। मैं हाँ यादविंदर सिंह। गुरदास मान पहुंचे सी दिल्ली दे शिंगू बैरियर ते। गुरदास मान दा कुछ लोगों ने पक्ष चाहे पर कुछ ने विरोध किया, क्या गुरदास मान नूं बोलन नहीं देवांगे, नारेबाजी भी की और कहा कि गुरदास मान नूं नहीं बोलन देवांगे। दिल्ली दे शिंगू बैरियर दीआं तस्वीरां मैं कहूंगा दूर तक एक बार दिखा दो। गुरदास मान इसे धरने से हुण चले गए ने। गुरदास मान की तुहानूं असीं खबर दिखाई। गुरदास मान का विरोध भी होया, विरोध क्यों होया, की कारण आ, कि मां बोली वाला मसले सी जां कोई होर मसले सी। ओ संगत जिसने विरोध किया, गुरदास मान ने भी कहा संगत ने विरोध किया कोई समस्या नहीं, मैनू जो कहते ने मैं चला जाना, पर मैं किसानी की गल कर रहा। तो साढ़े नालों सारे लोग ने जिन्हों ने गुरदास मान का बकायदा तौर के उत्ते विरोध किया गा, गलबात साडी करदे इन्हां दे नाल कि क्यों विरोध किया। बई जी क्यों विरोध किया? बई जी साडे विरोध करन दा कारण कोई ये नहीं कि हाँ असीं किसे धड़े नाल संबंधित हैं जां उहदे विरोधी हाँ। उन्हें जदों पंजाबी भाषा दा मुल मोड़न की गल आई, पंजाब तो पैदा होए पंजाबी दे नाम ते पैसे खट्टण वाले लोग, जब पंजाबी दा मुल मोड़न की गल आउंदी है तां उदों असीं हिंदू राष्ट्र हाँ, असीं फलाना असीं धमकाना। गल ये है भी जदों अज पंजाब दा सांझा मोर्चा लग्या, अज उन्हां नूं सारिआं दी शमूलीयत होगी तो अज अपने फेम खट्टण वास्ते हर कोई इत्थे आ रहा। जदों पंजाब नूं लोड़ सी पंजाब दे हादे नारे दी, इन्हां ने स्टेज ते चढ़ के संगत रूप च सारिआं नूं कहा बत्ती बना के ले लो। ये कोई सभ्यक शब्द थोड़ी है, इत्थे पंजाब दी सारी संगत बैठी है, हरियाणे दी भी है, पर जे इत्थे आ के कोई फेम खट्टण दी कोशिश करूगा तां सातों इह बर्दाश्त नहीं होना। असीं इस करके विरोध किया, सानूं होर आया जी आया नूं बैठ के चले गया पर स्टेज तो नहीं बोलूगा। क्यों भाई क्यों विरोध? जो साडियां मामा भैणां उत्थे बैठियां सीगियां जिन्हां दे सामने उन्हें भद्दे शब्द बोले जो बिल्कुल निंदण योग है, ना तो वह बोलण जोगे सीगे ते जिस मां पंजाबी बोली वास्ते वह जो भी कुछ बोल रहा सी उन्हें इत्थे तक उन्हों पहुँचाया ते वह पहुँचाउण करके ते जिन्ना कुछ वह बोल के गया उन्हां नूं ते वह बहुत ही गलत सीगा, जिहदे करके असीं उहदा विरोध करदे ते करदे रहांगे। जिहड़े स्टेजां ते जाने कि उहनूं माण मिलिया उह स्टेजां ते हुण असीं उहनूं चढ़ने नहीं देवांगे। आपां गुरदास मान नूं पंजाब दा पुत कहिंदे आ ते जदों पंजाब दी बोली पिछे हर सूबा अपना हर स्टेट तो लड़ाई लड़ी जा रही है भी पंजाब की होंद नूं बचाउण दी गल है, उदों खड़न नहीं जगह दौड़ गया उतों। तुहानूं खबर अपडेट कर दी है, गुरदास मान आए सी शिंगू बैरियर दे उत्ते। गुरदास मान संगत च बैठे, उन्हां नूं किसे ने कुछ नहीं किया। जदों स्टेज ते चढ़न लगे तां इक वड्डे विरोध दा सामना भी करना पिया। एक पासे उन्हां दे पक्षी भी सी, इत्थे बैठे सी गुरदास मान, इत्थों कुछ लोग उन्हां दे पक्ष सी भी जिन्हां ने कहा कि हाँ गुरदास मान नूं बोलण दिओ, पर दूजे पासे संगत सी जिन्हें कहा गुरदास मान का विरोध कर दिया। की कहना तुहाडा? बिल्कुल वीर जी मैं अपना पक्ष रख चुके हाँ। बिल्कुल जी बिल्कुल मैं अपना पक्ष रख चुके, असी किसे जथेबंदी वालों नहीं, साडे मन दा रोस है असी प्रगट किया ते शांतमई तरीके नाल किया। ते असी किसानी जो भी साडा संघर्ष है इहनूं इदां ही चलण दो, सानूं इहदे प्रति बहुत खुशी है। साडा संघर्ष शिखरां ते पहुंच चुक्या, इहदे विच कोई इदां दा मुद्दा ना कोई आवे भी जाने कि इक किसी पक्ष के तौर पर उन्होंने करता, क्योंकि जो तुसी मां बोली करके सर मां बोली कर वैसे गुरदास मान किसान आरे आवे कोई समस्या नहीं, सानू कोई समस्या नहीं हैगी क्योंकि स्टेज से गलत बोलिया, स्टेज से जो ने शब्द बोले साडिया मामा भैणा लई खड़न की गल सी उदो पंजाबी नाल खड़िया नहीं, किसान पक्कियां रोटियां खा के उन्हें धरने उन्हें पंजाबी दे विचों पैसा कमाया ते पंजाबी दा विरोध किया, पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत दे खिलाफ आ। जो उन्हें स्टेज तो भद्दे लफ्ज बोले आ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਧੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਪੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਜੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਗਣਾ ਆ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂਗੀ। ਆ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮਿਲੂਗੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ,
जिहदे नाल के माहौल खराब होवे इत्थे आना ही नहीं सी चाहीदा तां कि उह इह माफ़ी मंगण की जगह नहीं है। जदों माफ़ी मंगण का समा आवे माफ़ी मंगनी हो उत्थे माफ़ी मंगे इत्थे कोई माफ़ी नहीं है। ये किसानों का मोर्चा आ इहनूं किसान चार फिर अपडेट कर दिए दोस्तों नूं गुरदास मान का विरोध किया गया। गुरदास मान सिंघू बैरीयर के उत्ते आए सी हालांकि कुछ लोग गुरदास मान के पक्ष से इन्हों का कहना एक धड़ा सीगा एक धड़ा सी जिहड़ा इस थां ते गुरदास मान बैठे पिछले तस्वीर तुहानूं सारियां एक बार दिखा दो सिंघू बैरीयर दीआं सारियां तस्वीर दिखा दो तुसीं इत्थे गुरदास मान बैठे सी इत्थे गुरदास मान बैठे सी गुरदास मान दे नाल कुछ लोग सी जिन्हां ने कहा स्टेज पर बोलण दिओ पर एक वड्डा विरोध पिछे तक तुसीं स्टेज देख सकदे हो इत्थों ही साइड तो इन्हां नौजवानों ने विरोध किया गा की कहना तुहाडा यही है जी कि जे विरोध असी करते रहेंगे जे आना उस पंगत दे विच जो मर्जी आ सकता पंगत च आवे कोई उन्हूं कुछ नहीं कहूगा सेवादारा वांगू सेवा करता रहे जितनी देर करता रहूगा असी कुछ नहीं कहिंदे असी जिहड़े इत्थे आउंदे उह साडे नाल दे किसान बन के आउण ना कि अपनी अपना बचा करन कलू आवे स्टेजां ते आउणा चाहुंदे आ असी नहीं इन्ने तीन तीन महीनों के प्रोटेस्ट दे विच इन्हां ने इन्ना इन्ना हो चुक्या फिर भी हुण आ के अपनियां रोटियां दा काम करदे कि कलू फिर यह गायक बनन असी नहीं हुण इन्हां नूं इदां अगण अगे आउण दवांगे की कहना तुहाडा यह शांति विरोध धरना जी आउण इत्थे बैठण मंच से वेलकम जी पर मंच के उत्ते प्लीज़ ना जाण जी इन्ना यह शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन चलता रहे जी बस इन्ना ही है ये सांझा मंच है जी इत्थे कोई भी आ सकता पर असीं स्टेज के उपर नहीं चढ़न देवांगे क्योंकि उन्हें मां बोली का सत्कार नहीं किया उन्हें मां बोली नूं मंदा बोलिया गल यह है वीर अज कंगण अज कंगणा ने अज कंगणा ने साडे पंजाब दी मातावां नूं 100-100 रुपए पिछे विकण वालियां बीबियां घोषित करता कल वह आजूगी कल वह माफ़ी मंग लूगी कल का दौर गया कल गुरदास मान बोल के गया मोदी आजूगा मोदी भी माफ़ी मंग लू अभी सारे माफ़ करने लिए इतने निर्मर है तो तीन सा तीन महीने तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन्हों ये नहीं देख रहे कि ठंड के रात को कितनी ठंड होंगी रात को इतनी ठंड होंगी बहुत औखा होंगे फिर भी अभी तस्वीर तुम्हें दिखा रहे हैं इधरले पासे आ जाओ तस्वीर बाबा जी आज करो इधरले पासे आ जाओ कैमरामैन मैं कहूँगा तस्वीर तुम देख रहे हो पिछे तस्वीर असं दिखाते रहेंगे इधरले पासे आ जाओ इधरले पासे आ जाओ कोई गल इधरले पासे आ के तस्वीर तुम दिखा रहे हैं जिन्हें किसानों ने विरोध किया हूँ तस जिन्हें किसानों ने विरोध किया गा उन्होंने असं पिछे तस्वीर दिखा दो सारिया पिछे तस्वीर इतने गुरदास मान का विरोध किया गया जिन्होंने विरोध किया वो साढ़े नाल ने लगातार तुम तस्वीर दिखा रहे हैं बई जी हूँ की लगता गा जे कद गुरदास मान माफ़ी मंगते है इस मसले का तुम फिर भी विरोध जारी रहो माफ़ी तो सर उन्हें मंग ली आप दिन पहले कहने माफ़ी मंग ली जी उन्हें कह रहे जथेबंदियों ने तो कहा भी हाँ जथेबंदियों ने ना अनाउंस करता सी तुहाडे सामने अनाउंस करता सी बिल्कुल करता सी जथेबंदियों ने स्टेज तो बोलिया तू वो चाहते उन्होंने वो किसी ने नहीं इदा कहते पर असी चाहते हैं जे माफ़ी मंगनी है तो जाओ वो जुत्ते पे संगत दे सेवा करो ये बैठो पंगत दे बैठो माफ़िया मिलदी होंदिया कोई भी जानता हो कोई भी वड्डी इदा रोज कोई गलती करके आजूगा तो इतने आके माफ़ी मंग लूगा इन्नी जल्दी माफ़ नहीं करांगे असी की कहना भाई भाई है जी कि हाँ भी उन्होंने माफ़ी मंगनी चाहिए कि हाँ भी नॉर्मल जो किसान मोर्चा एक सिंपल संगत रूप से चलता रहे शांति रूप से चलता रहे जी ये हाँ जी असी लगातार असी तो साइड के उत्ते तस्वीर दिखा रहे हैं तस्वीर सीधिया दिखा दो उतो सीधिया उच्चिया तस्वीर सीधिया तस्वीर दिखा दो विरोध आ जोड़ा इतने संगत का हो रहा सीधिया तस्वीर तुम इतों दिखा रहे इधर से आके भी दिखा दो इधरले पासों असं दिखा रहे हैं इस धरने के अंदर बकायदा तौर के उत्ते विरोध आ जिहड़ा उह कीता गया उच्चिया करके तस्वीर दिखा दो धरने दियां और संगत दे नाल साडी गलबात जारी है गुरदास मान के पक्ष च भी लोग आए एक धड़ा गुरदास मान के पक्ष च ही स्टेज तो गुरदास मान का नाँ अनाउंस किया गया पर विरोध करने वाले ने गुरदास मान का विरोध किया गा विरोध करने वाले ने गुरदास मान का विरोध किया पक्ष वाले गुरदास मान के पक्ष च आए पर जिहड़े लोगों ने विरोध किया उन्हां दी तस्वीरां असीं तुहानूं दिखाईआं कि उन्हां दा की कहना सी तुसीं भी गुरदास मान दा विरोध किया हाँ जी हाँ जी है बिल्कुल क्यों किया अपनी मां बोली बारे गलत बोलिया जी वह मां बोली नूं मासी दस्सिया उहने तां करके असीं विरोध किया जी उहदा मां बोली नूं कि हिंदी साडी मासी है ना उहने कहा जी हिंदी साडी मां है ते जिहड़ी पंजाबी आ उह साडी मासी आ उहने आह गल कही सी ते उद्दों बाद इहने अपनी लाइव स्टेज च आए कहा भी कोई गलत वर्ड बोले कोई बंदे प्रोटेस्ट कर रहे सी उहदे बारे गलत बोलिया उह ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
दिखा दो गुरदास मान इत्थे बैठे सी, गुरदास मान दे पक्ष च भी लोग आए ने ते गुरदास मान दा विरोध भी बकायदा तौर दे उत्ते कीता गया। तस्वीर असीं तुहानूं सिंघू बैरीअर तो लगातार दिखा रहे हैं। इसे थां दे उत्ते गुरदास मान आए सी, लाइव तस्वीर मैं कैमरामैन नूं कहांगा पिछे आ जाणगे, लाइव तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीर इत्थों तुसीं देख रहे हो, इस थां ते गुरदास मान आए सी। शमशेर पिछे नूं आ जाओ माड़ा जिहा, पिछे आ के आपां गलबात शुरू करिए। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ? ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼? ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਸਟੇਜ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਆ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਈਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।